हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। और आज हम लोग देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। इसके पहले डाय एटॉमिक एलिमेंट्स के हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, और आज हम चलते हैं कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं CH4 मेथेन। ठीक है, मेथेन का हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। सो कार्बन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 प्लस हाइड्रोजन के पास 1। कितना हाइड्रोजन है, 4। टोटल कितना हो गया हमारा, 4 प्लस 8 हो गया। ठीक है, अब कैसे ड्रा करेंगे, ये हो गया हमारा कार्बन। अब सिंगल बॉन्ड से सबको हमें अटैच करना है। कितने हाइड्रोजन है, 4, सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। अब हमें काउंट करना है इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कितने खत्म हो गए। सो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8, और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें खत्म हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो ये लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CH4, इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH, H, H एंड देन H, और इलेक्ट्रॉन को इसके बीच में शो कर सकते हैं इस तरह से। सिंगल इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल अगर ले लें CO2 का, CO2, ये सेंट्रल एटम हम कैसे यहाँ पे डिसाइड करेंगे, जो लीस्ट नंबर होगा या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम। ठीक है, यहाँ पे लीस्ट नंबर क्या है, सबसे कम कौन सा है, कार्बन। सो कार्बन होगा यहाँ पे सेंट्रल एटम। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया कार्बन। सबसे पहले इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, कार्बन का कितना होता है, 4 प्लस ऑक्सीजन का 6 × 2, टोटल कितना हो गया, 12, 4, 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से पहले हम यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। ठीक है, ये हो गया कार्बन, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुट कर दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास टोटल 6, कार्बन के पास 4। सो कार्बन का कितना हो गया, 1, 2, 3 एंड 4, ऑक्सीजन का टोटल 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब क्या इसके स्टेबल होने के लिए ये शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का, कितना है इसके पास टोटल 6, इसके पास कितना है 6, इसके पास कितना है 4, कितना चाहिए 8, सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सो ये यहाँ पे करेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और फॉर्म होगा कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल कितना हो गया, 8 इसका भी हो गया और 8 इसका भी हो गया और 8 इसका भी हो गया, सबका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है। हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, यहाँ पे हम लेते हैं HBr। ठीक है, HBr का कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 प्लस ब्रोमीन का कितना होता है, 7, ग्रुप 17 का ये एलिमेंट है, टोटल कितना हो गया, 8। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन और ये हो गया ब्रोमीन Br। कितना इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, हाइड्रोजन के पास टोटल 1। कितना चाहिए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, इसे 8 चाहिए, इसके पास कितना, 7, इसके पास है 1। सो ये करेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, फॉर्म होगा कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये लुईस स्ट्रक्चर ऑफ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे HCl, HCl का सेम इसके जैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे PH3 का, PH3। ठीक है, इसका कैसे बनेगा, फॉस्फोरस का कितना होता है, 5 होता है, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल होता है 5 प्लस हाइड्रोजन का 1 कितना है, 3, टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 8। ठीक है, अब सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस, जो लीस्ट इन नंबर रहेगा वो होगा सेंट्रल एटम, सो ये होगा फॉस्फोरस। ठीक है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल कितने हो गए, 5। अब हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन साइड में हम लगाएंगे, 1, 2 एंड 3, हाइड्रोजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, इसका भी 1, इसका भी 1, कितना चाहिए, हाइड्रोजन को 2 और फॉस्फोरस को 8, फॉस्फोरस के पास टोटल कितना है, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, इसके पास 1 है, सो ये करेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और फॉर्म होगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। सो ये लुईस स्ट्रक्चर ऑफ PH3, इसको हम फॉस्फीन गैस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ले लें अमोनिया का, NH3,
इसका कैसे बनेगा, इसका भी इसके जैसा सेम ही बनेगा क्योंकि ये भी ग्रुप 15 का ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसका हो गया 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3, टोटल कितना हो गया 8, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन, ठीक है, सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच करते हैं। नहीं तो पहले आप क्या कीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रख लेते हैं। कितना है इसका, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया। यहाँ पे अब क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, 8, 5 6 7 8। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे यहाँ से ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा जिससे इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट और ये स्टेबल भी हो जाएगा। हाइड्रोजन का 2 चाहिए, नाइट्रोजन को 8 चाहिए, नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका कैसे बनाएंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। सबसे पहले क्या हम काउंट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का कितना होता है 4 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 7 इंटू 4, टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 14 हो गया, 28 प्लस 4 हो जाएगा 32, ठीक है, 32 यहाँ पे हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल एटम है हमारा कार्बन, उसके बाद क्या है क्लोरीन, चारों तरफ क्लोरीन, Cl 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 देन Cl। क्लोरीन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, सो हम यहाँ पे पुट करेंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसका भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसका भी सेम 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और कार्बन के पास टोटल कितना होता है 4, 1 2 3 एंड 4। अब क्या करना है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको चाहिए 8, इसको चाहिए भी 8, इसके पास टोटल कितना है 4, इसके पास है 7। सो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये जो कार्बन है सब चार क्लोरीन के साथ करेगा तो इसका 8 हो जाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। देखिए सिंगल बॉन्ड, सॉरी इसको हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड ये इसे और ये इससे, ये है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम एग्जांपल लें PCl3, अभी किसका बनाया है PCl5 का, ठीक है, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका कैसे बनाएंगे, टोटल इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है फॉस्फोरस के पास 5 प्लस क्लोरीन के पास 7 इंटू 3, टोटल कितना हो जाएगा 26, ओके 26 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल एटम क्या है फॉस्फोरस और साइड में क्या जाएगा क्लोरीन, Cl Cl एंड देन Cl, इसके पास टोटल कितना है 5, पुट कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, क्लोरीन के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या करना है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ से फॉर्म होगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये है लूस स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 और यहाँ पे बच गया एक लोन पेयर जिसे बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें H3PO4, ठीक है, H3PO4 जिसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसका कैसे बनेगा, सो हाइड्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस के पास टोटल कितना होता है 5 प्लस ऑक्सीजन के पास 6 होता है इंटू 4, टोटल कितना आ जाएगा 3 5 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा 24, टोटल आ जाएगा हमारा 32, ओके। सो अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट कर दीजिए कितना है 26, 7 7 7, टोटल कितना हो गया 21 एंड 5, 1 2 3 4 5, टोटल हो गया 26, इसका कितना 32 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया लीस्ट इन नंबर में है फॉस्फोरस, सो फॉस्फोरस जाएगा हमारा सेंट्रल एटम, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सो यहाँ पे पुट कीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फॉस्फोरस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, सो हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं 6,
सो हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो गया। हाँ ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4 अब यहाँ से एक एक 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हाइड्रोजन के पास 1, 1 एंड 1 अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है सबको, ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन को भी, हाइड्रोजन का ड्यूएट कंप्लीट करना होता है, इसको केवल 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस को 8-8 चाहिए, ठीक है। अब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इसे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये इसे सिंगल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे फॉर्म होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड एंड ये इससे सिंगल बॉन्ड। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है 32। यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस 6 ये हो गया, 6 ये हो गया, 6 ये हो गया 18 एंड 6 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 24, ठीक है। अब बचा फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस का टोटल कितना है 5, 24 और 5 क्या हो गया 29 और 3 हाइड्रोजन का 1, 2, 3 टोटल हो गया 32। ओके सो ये लुईस स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड।